sim. Pode sim. Tá, rápido. Daí, né? Não, mas logo tá aqui o câmbio aí, né? Dá tudo errado, tá, onde é que eu tô? Ah, não vou lá. Tô na tela de cordeiro, tá bom? Ah, vem. Ah, vem. Dá tudo errado. Mas logo, o que careba? Churu, hein, deixa a câmera. Só faz uma churu. Só faz uma churu. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया की राजा बाबू एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो प्रिया का तो थोड़ा मूड ऑफ है, टाइगर तो आ गया है। टाइगर इतना जल्दी उठ गया आज, जब भी हम लोग उठ जाते पीछे पीछे वो भी उठ जाता। तो गाइस मम्मी पापा तो चले गए, ठीक है, सुबह सुबह ही निकल गए थे। मतलब कितना टाइम हुआ होगा, तब साढ़े पाँच पौने छः में निकल गए। तो हम लोग तो जल्दी जल्दी सुबह इसीलिए उठे थे आज। गुड मॉर्निंग बोलो, अम्मा गुड मॉर्निंग बोलो टाइगर। हाँ म्याओ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो खिड़की के पास जाएगा ना, छोड़ दो। तो गाइस उठ तो गए हैं, उठने के बाद जो है थोड़ा बहुत माहौल आज ठंडा है, स्माइल थोड़ा कम है प्रिया का, रोई थी थोड़ा थोड़ा करके, रोई थी क्या रोना आ जाते ना, बोलो राजी ऐसे चिराते हम। देखो तो गाइस हम लोगों भी आज बहुत काम है, हम लोगों का भी, हम लोग भी निकल जाएंगे, है ना, पूरा दिन के लिए निकल जाएंगे। पर्सनल काम है, कुछ काम पे तो जाएंगे नहीं आज, थोड़ा बहुत पर्सनल काम है वो सब करने के लिए आज पूरा दिन घर पे रहेंगे। लेकिन मतलब कि बोलबो एक गदा काज रेखे दाओ, कुछ कर नहीं सकते ना, अभी टाइम नहीं मिलता है, तो छुट्टी करके खुद का काम ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो वो देखो निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा, कहाँ जाएगा, हेलो मेरे को छोड़ के कहाँ जा टाइगर, कुठाई जाबे हमके छेरे कुठाई जाबे, हेलो मेरे जीबी जीबी हम नष्ट कर दिलो सब एलोवेरा लगा के प्रिया ने इतना प्यार से खिड़की में सब जो है टाइगर ने पैर दे के हाथ दे के मुंह से सब जो है फ्रेंड्स खराब कर दिए है। ये पौधा आप कुछ नहीं रख पाएंगे टाइगर के लिए, जो भी हो। तो फ्रेंड्स अभी कुछ नहीं करना नहीं है, ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना, ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। पूरा दिन तो घर पे नहीं रहेंगे, वैसे भी नहीं रहेंगे तो अच्छा ही है ना, तुम लोग ऐसे नहीं लगता ऐसे मम्मी तो दिन थी उसके बाद नहीं है ना अचानक से, मतलब तुम अकेले नहीं पड़ जाओगे, मैं रहूंगा पूरा दिन तुम्हारे साथ, नहीं तो अकेले घर में रहोगे तो ज्यादा खराब लगता है, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो निकल जाएंगे, उसके बाद जो है डायरेक्ट आप लोगों से शाम को मिलेंगे। हाँ, घर में जब आएंगे तब मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर नाश्ता पानी कुछ दो, थोड़ा भी थोड़ा स्माइल कर दो मेरे लिए, थोड़ा हंस दो, चलो देखो गाइस टाइगर का हालत देखो, ये देखो ये एलोवेरा ना मेरा खराब कर दिया टाइगर ने, इधर आके डाइनिंग टेबल पे जब भी ये हम विंडो खोलते हैं तो टाइगर ऐसे आ जाती है। ये देखो क्या ऐसे देखो मुंडू बाहर निकल के रखे हैं, टाइगर टाइगर निकलो निकलो इधर से निकलो, जाओ तुमने मेरा एलोवेरा खराब कर दिया। तो गाइस अभी तो हम लोग आ गए हैं घर पे और शाम तो हो गए हैं, ठीक है। तो और घर पे घुसते ही जो है मतलब अभी घर थोड़ा खाली खाली रह पाए, सुबह सुबह तो इतना हड़बड़ी में थे सब, तो इतना मालूम नहीं हुआ था क्योंकि मम्मी पापा लोग गए, फिर हम लोग भी निकल गए पूरा दिन के लिए। तो अभी जब शाम को घर में घुसे
तब जाके मामू पर दिखा है थोड़ा खाली खाली। हाँ अच्छा नहीं लग रहा है वैसे घर एकदम, देखो कैसे कैसे बिखरा पड़ा है मेरा घर एकदम, कैसा लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मेरी मम्मी जब रहते हैं ना पूरा घर एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि मानो मम्मी अकेली होते हैं हमारे साथ, लेकिन लगता है कितना कोई है ना। इधर मम्मी चिक रही है, उधर मम्मी चिक रही है, इधर मम्मी बुला रही है, ऐसे चारों तरफ आवाज आते रहते आवाज, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, तुमने ये इधर क्यों रखा, तुमने वैसे ना। मेरी मम्मी बहुत मतलब परफेक्ट होके रहती है घर पे, तो मुझे मतलब ऑर्गेनाइज रहते हैं, हम इतना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। मैं तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी मम्मी जैसे रहते हैं ना घर पे वैसे मैं रहती हूँ। फिर भी मेरी मम्मी क्या बोलते बताए, मतलब मम्मी को ना जागा शॉर्ट पड़ जाते, सबसे बड़ी बात यही ना, स्पेस कम हो जाते हैं हमारे घर पे। मम्मी ऐसे ही चीखते रहते हैं, तुम ये चीज इधर रखी, वो चीज इधर रखी। हाँ मम्मी को, मुझे लगता है मम्मी को ना स्पेस कम हो जाते हैं हमारे घर पे, क्यों मेरी मम्मी थोड़ा सा खुला खुला में रहते हैं ना, थोड़ा एरिया उन लोगों का बड़ा है। हाँ तो इस वजह से मुझे लगता है कि मम्मी का स्पेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते मतलब एडजस्ट करके रहते हैं। हाँ वैसे तो हमारे ये जो रूम है, ये रूम है, हॉल है, और उधर और एक रूम है, वैसे उस रूम में मैं थोड़ा सा मतलब ये चीज वो चीज रख के ना थोड़ा सा भर दिए, हरदम बंद ही रहता है। हाँ फिर भी मैं ना उसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ। खोलो अभी, अभी खोल के भी फायदा ऐसा क्या है, हम लोग तो चले ही जाएंगे ना। हाँ फिर भी अभी भी काफी दिन है, तुम चाहो तो रूम खोल खाल के आराम से थोड़ा वहाँ भी थोड़ा बैठ बैठ सकते हो, क्या एक ही रूम में बैठे रहेंगे, है ना। ठीक है, मम्मी ऐसे ही बोल के गई मुझे कि तुम थोड़ा सा उस रूम पे थोड़ा सा ये मतलब बिस्तर बना के रखो ना, टाइगर खेल पाएंगे, बैठ पाएंगे, सो पाएंगे, क्या ये रूम में तुम रहते हो। टाइगर के लिए ही वो रूम खाली करना पड़ेगा ताकि टाइगर खेल सके। देखते क्या करती हूँ मैं, थोड़ा बहुत क्यों करना पड़ेगा, सब कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ तो गाइस मतलब मन तो अच्छा नहीं लग रहा है घर पे आके, लेकिन हम दोनों तो आज पूरा दिन बिजी थे, बोलते तो बोल के गए थे आप लोगों को कि काम था, लेकिन मेरी मम्मी ना मुझे एक बात बोल के गई है, बोले कि जी ये देखो यहाँ पे एक कोई है, ठीक है हम दिखा रहे हैं थोड़ी देर में, दिखाओ क्या। हाँ क्यों नहीं, दिखाते दिखाते दिखाना तो, हाँ दिखाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मम्मी बोल के गई है ऐसे रखना, इस टाइप से रखना ऐसे बोल के गई है मुझे अच्छे से, ठीक है तो हम दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। ठीक है दिखाओ तो फिर। हाँ। और क्या दिखाओगे तो आप लोगों का भी मालूम ही पड़ गया होगा, क्योंकि ब्लैंकेट दिखाया मतलब ब्लैंकेट जो है इसके अंदर कुछ है। हाँ। प्रिया का प्रिसियस कुछ है। हाँ। मतलब जो कि बहुत वैल्यूएबल है प्रिया के लिए, मेरे लिए भी है, अभी तो सबके लिए ही है, मतलब जितना भी है हम लोग के फैमिली मेंबर सबके लिए वैल्यूएबल है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ। क्या है और ठीक है पहले तुम दिखाओ उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। हाँ दिखाओ ना थोड़ा सा अभी जो है आप लोगों को खुल जा सिम सिम टाइप का कुछ, ठीक है ये तुमको तुम कर पाओगे निकाल पाओगे उसको। ये देखो गाइस हम लोग आए और टाइगर को सुला दिया, ये देखो पूरा मत खोलो, मैं बच्चों को पूरा मत खोलो, हाथ हटाओ हाथ हटाओ। ये देखो गाइस मेरी मम्मी बोली कि ये टाइगर का ही ब्लैंकेट है, तो मैं जब तक फिर से ना आओ तो तब तक तुम टाइगर को ही सुला के रखना। बॉडी पूरा खड़ा करके ये पैर वैर कैसा डिजाइन मार के ये इसका ऐसे टेढ़ा क्यों हो जाता है बाबू, ठीक से सो टाइगर, कैसे सोते हो, बाप रे बाप मेरे टाइगर का बच्चा सो रहे हैं, हमारे टाइगर बच्चा सो रहे है, घुनू घुनू सो रहे है, गर्म हो गया मेरा बच्चा पूरा एकदम इसका अंदर, इसके अंदर ऐसे पैकिंग करके रखोगी तो गर्म ही होगा ना। देखो गाइस ये देखो टाइगर सो रहे है, टाइगर का हो गया है। हाँ यही टाइगर का है, अभी टाइगर रोज इसके अंदर ही सोएगा मेरा बच्चा, आराम से सोते है गाइस ये ना, बहुत आराम से सोते थे, सोने में माहिर है, उससे भी आगे बढ़ सो सो के टाइगर सो सो के ना बोलेंगे ही अजय टाइगर देखो ना बाबा सो सो के तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बाबू, सो सो का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है इसको फिर से रख देते हैं, रख दो ऐसे अच्छे से पैकिंग करो,
थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, ठीक है? कब तक सोएगा ऐसे? सोएगा जब तक उसको मन होगा, तब तक सोए रहे। ऑक्सीजन पास हो रहे ना, ठीक है। इसके अंदर से हुआ थोड़ा सा। तो गाइस देखा ना आप लोग टाइगर का हरकत, कितना क्यूट दिखते हैं ना टाइगर, मतलब मुझे ना बहुत क्यूट लगते हैं हमारे टाइगर। ऐसे ऐसे उसका हर एक सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, दिल खुश हो जाते हैं हमारे टाइगर का। कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी मैं अगर देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, एकदम सुकून सा लगता है मुझे टाइगर का। कुछ भी टाइगर को देखती हूँ तो सुकून सा लगता है दिल में एक। तो गाइस चलो अभी ना आज एक चीज लाए हैं, वो तो अभी मैं डिनर पे बनाऊंगी, ठीक है? आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बनाने जा रही हूँ। वैसे भी खाना बनाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग गए यार। दोपहर को तो हम मतलब बाहर ही खाए हैं, तो खाना वाना उतना बनाई नहीं थी। सुबह बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे, तो अभी तो हम अच्छा सा डिनर बनाएंगे, खाना खाएंगे, ठीक है? तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं क्या बनेंगे। वैसे तो हम लोग मतलब घर आते ही इतना सर्दी लग गए थे, ठंड लग रहा था, तो क्या क्या चाय वाय हम लोगों ने पी ली है। उसके बाद मैं राय जी के साथ ऐसे बात कर रही थी, टाइगर को सुला रही थी, ये सब कर रही थी। तो चाय वाय तो हमारा हो गया, नाश्ता पानी खा लिए है, तो चलो आप भी चल के डिनर बनाती हूँ, ठीक है? ये देखो गाइस क्या क्या बाजार करके लाए आज हम दोनों। तो ये सारा खाना अभी मैं बनाऊंगी। तो ये देखो, ये ना बॉल माछेर माथा, ये देखो बोली बॉल माछेर माथा, बॉल माछेर माथा मतलब सब सोचेंगे यार काटा कूटा है इसके अंदर, हैसन यही है, पूरा मीट रहते हैं, माछ रहते हैं पूरा, एकदम बहुत टेस्टी होते हैं ये फिश। तो मैं ये वाला बनाऊंगी। और गाइस ये आलू काट के रखे है क्योंकि मुझे बनाना है पालक। ये देखो ये पूरा पालक धो के एकदम फ्रेश करके रखी हूँ मैंने। और ये पालक के साथ ना ये सब्जी वगैरह सब कुछ मैं डाल दूंगी। यहाँ पे ओल गोभी है, मूला है, बैगन है, आलू है, कुमड़ा है, सब है। और बोरी से बनाऊंगी मैं। और गाइस ये फिश के लिए काटे हैं ये आलू, बड़ा बड़ा करके फिश में दूंगी। और इसलिए थोड़ा सा मैंने ये मसाला वगैरह रेडी की हो, लेकिन और भी बहुत कुछ चाहिए, तो मैं ये खाना बनाते बनाते सब कुछ जो है इसके अंदर डाल दूंगी। तो गाइस मैं अभी खाना बना लेती हूँ। ये देखो गाइस क्या हुआ, हम दोनों कैसे पोपट हो गए। देखो हमारे टाइगर को लेके, टाइगर को ना थोड़ा गर्मी लग गए है शायद, हम लोग इसको पैकिंग करके रखे, तो देखो कैसे निकल के बाहर आ गया ना। बोलो लोगों को शेयर किया कि देखो ऐसे पैकिंग करके रखे, और टाइगर ने जो है पूरा वहाँ से निकला। हाँ, निकलने के बाद यहाँ ऐसे सीधा सो गया। हाँ देखो, मुझे लग रहा है ना टाइगर को गर्मी लग गए है ना, पैकिंग करके रखो तो गर्मी। टाइगर बाबू तुमको गर्मी लग गए बच्चा? हाँ टाइगर को गर्मी लग गए, समझ सकते हैं? ठीक है ठीक है, सो तुम इधर ही सो बाबा, जैसे अच्छा लगे वैसे सो। गाइस देखो खाना तो बन के एकदम रेडी है। ये देखो ये फिश करी मैंने बनाई है, कैसे दिख रहा है देखो, एकदम मम्मी की तरह दिख रहा है ना, मेरी मम्मी जैसी खाना बनाती वैसी लग रही है। तो बहुत टेस्टी हुआ है शायद, अभी खा के देखेंगे, बताएंगे आप लोगों को कैसी बनी है, ठीक है? मुझे तो देख के अभी मेरा इतना लोभ लग रहा है कि क्या बताऊँ, खाने का जी चाह रहा है। और ये देखो ये तो मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई है, सब कुछ सब्जी इसके अंदर डाल दी है। और ये पालक की सब्ज़ी खाना अच्छा होता है सेहत के लिए, तो मैंने ये पालक की सब्ज़ी बनाई। देखो कढ़ाई भर भर के बनाई, दोनों मिलके खाएंगे, और आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही खाना, ठीक है? तो गाइस ये देखो ये तो राइस है, दोनों मिलके एकदम सब ख़त्म कर देंगे, ठीक है? सो गाइस खाना तो हो गए है, और प्रिया ने जो है बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जो है एकदम डिनर बनाए थे आज। तो पालक साग का एक आइटम था, और साथ में था फिश का जो हेट होता है ना, उसका एक सब्जी टाइप का, करी टाइप का एक आइटम बनाई थी। बांग्ला में बोलते हो वो आपका बोआल माछेर माथा, ठीक है? तो बोआल माछेर माथा पालंग शाक बुड़ी फुड़ी दिए खेलम, खूब भालो खेलम। और अभी तो खाना खा खा के मेरा जो पेट जो है एकदम फटने की हालत में है, ठीक है? इसलिए जो मैं है ना अच्छी तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहा, देखो मैं कैसे हिल रहा हूँ, क्योंकि पेट जो है मेरा स्टेबल नहीं है अभी। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि प्रिया तो गई है वॉशरूम पे, ठीक है? उसके बाद जो है फिर निकलेगी, टाइगर को खिलाएगी, फिर बिस्तर लगाएगी, बहुत सारा काम है प्रिया का। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स मुझे नींद भी आ रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह उठे हैं ना, तो अभी मैं मतलब जगने की हालत में हूँ नहीं, तो मैं अभी सो जाऊँगा। प्रिया धीरे धीरे करके आएगी अपना काम निपटा के, तो आप लोगों से प्रिया मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग पे, फिलहाल मुझे ही देख लो। तो आज का ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और नेक्स्ट टाइम, ठीक है? टाटा बाय।
बाय।